वेलकम टू वह चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रोवर्जन के बारे में जो कि एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एक्सट्रोवर्जन इज अ पर्सनैलिटी ट्रेड करेक्टराइज अ प्रेफरेंस फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन एंड सोशल इंटरेक्शन और यानी कि ये बेसिकली एक्सट्रोवर्जन जो है ये एक ऐसी ट्रेड होती है लोगों की यानी कि लोग जो हैं वो आपको दो किस्म के मिलेंगे या तो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट तो एक्सट्रोवर्ट लोग जो हैं उनको आप बेसिकली क्या कहोगे दैट इज एक्चुअली द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ दैट पर्सन जिसको आप एक्सट्रोवर्जन कहते हो और एक्सट्रोवर्जन वो लोग होते लो हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि उनके पास लोग हो ठीक है अब मैंने बताया आपको कि इंट्रोवर्ट वो होंगे जो कि प्रेफर करेंगे लॉन्लीनेस को सॉलीटूड को यानी अपने आप को अकेला रखना महसूस मतलब तो, बेटर फील करेंगे इंस्टेड ऑफ कि वो कोई इवेंट अटेंड करें या गैदरिंग में हो बट ऑन द अदर हैंड जो एक्स्ट्रोवर्ट लोग हैं वो क्या प्रेफर करेंगे कि वो गैदरिंग्स में जाएं नए लोगों से मिलें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों उनकी डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ हों इसके अलावा सोशली वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर करेंग रहे हो ठीक है तो ये बेसिकली ट्रेट होता है एक्स्ट्रोवर्ट का इसके अलावा हम देखेंगे कि उनकी क्या होती हैं कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्रेफरेंस फॉर सोशलाइजिंग यानी कि वो जो हैं वो प्रेफर करेंगे कि वो सोशल हो इंस्टेड ऑफ़ कि वो किसी एक अलाउन किसी कमरे में बैठ के बुक रीडिंग करें उनका यही मोटिव होगा कि वो लोगों के साथ मिलें न्यू लोगों के साथ न्यू एक्सपोयर करें और उनके बारे में जानें और उनके वो अंदर वाक़ी ऐसी एनर्जी ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि वो अपने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो खुद भी बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं जब वो किसी गैदरिंग में होंगे नेक्स्ट थिंग कि उनके साथ जो लोग होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे तो ये एक्स्ट्रोबर्ड की ट्रेट होती है इसके अलावा उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कि वो पार्टीज अटेंड करेंगे वो इवेंट्स में अपने आप को हैप्पी फील कर रहे होते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि वो लोगों के साथ कनेक्शन जो है वो डिवेलप करें सेकेंड थिंगयर इज़ टॉकेटिव एंड आउट गोइंग यानी कि वो बहुत ज़्यादा टागेटिव होते हैं है, यानी एक्सप्रेसिव होते हैं लोगों के साथ सोशल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जल्दी से वो कम्फर्टेबल हो जाते हैं यानी कि एक्स्ट्रो इंट्रोवर्ट का क्या होता है कि उनको आप जब भी किसी सोशल गैदरिंग में आ, मतलब बात कर रहे होंगे तो वो कभी भी अपने आप को इतना फ़ील नहीं कर रहे होंगे कि मतलब वो कभी भी कम्फर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे होंगे उनको टाइम लगे वो ज़्यादातर प्रेफर क्या करेंगे रिजर्व रहेंगे बट ऑन द अदर हैंड जो एक्स्ट्रोवर्ट है वो क्या करेंगे टॉकेटिव होंगे बातें करेंगे बातों से बातें निकालना उनको आती होगी और वो कभी भी ऐसे शाये फील नहीं करेंगे अब देखिए आपने कभी अपनी गैदरिंग में या कभी आपकी डिस्कशन हो या कभी आपकी मीटअप हो किसी के साथ तो उसमें आपके बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो एक्सट्रोवर्ड होंगे और उनको क्या किर? आप कह रहे होंगे महफिल की रौनक यानी कि वो आप कहेंगे कि ये वो लोग हैं जो चार चांद लगा देते हैं या इनके साथ बैठ के मज़ा आता है क्यों क्योंकि उनको बात करना आता है दे आर जस्ट वेरी इंगेजिंग पर्सन कि उनको पता है कि सोशली कैसे बिहेव करना है अब ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट को ये नहीं पता होता कि उन्होंने सोशली कैसे बिहेव करना उनको भी पता होता है लेकिन वो कभी भी इतना फ्रेंकनेस नहीं डेवलप कर सकते थर्ड थिंग थिंगयर इज़ एक्सटर्नल प्रोसेसिंग यानी कि आप जो हैं एक्सट्रोवर्ट्स वर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बाई डिस्कसिंग दैम विद अदर्स एंड अब उनका ये मोटिव होगा कि वो ऐसा नहीं कि मतलब एक टॉपिक पे ही स्टक हो जाए उनको काफ़ी ज़्यादा उनके पास टॉपिक्स होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उनको पता है कि उन्होंने एक पर्सन को डील कैसे करना है एक पर्सन की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी टीनेज से बात करें तो उन्होंने किस टॉपिक पर बात करनी है अगर वो किसी एल्डर से बात करें किस किस टोन में किस लहजे में या किस टॉपिक जो है उनका क्या इंटरेस्ट होगा उसके मुताबिक वो उनको डील करेंगे नेक्स्ट इनर्जाइज बाय सोशल इंटरेक्शन यानी कि जितना वो लोगों के साथ मीटअप करते रहेंगे सोशली होंगे लोगों के साथ इंगेज उतना ही वो अनर्जेटिक फील कर रहे होंगे और उनको अच्छी फीलिंग आ रही होंगी अच्छे वाइब्स आ रही होंगे एक्सटर्नल फोकस यानी कि उनका इंस्टेड ऑफ कि वो अपने आप पर ज्यादा फोकस करें उनका इन, अपने इर्द गिर्द इन्वामेंट पे ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट यानी उनको ज़्यादा प्लीज कर रहा होगा हमने इंट्रोवर्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि वो लोग जो हैं उनको क्या चीज़ प्लीज कर रही होती है कि वो बुक रीडिंग करें या अपने साथ टाइम स्पेंड करें या फिर वो पेंटिंग करें या स्केचिंग करें ऐसी चीजें जो अपने आप के साथ कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं बट ऑन द अदर हैंड एक्सट्रोवर्ट की क्या एक्टिविटीज़ होंगी उनकी हमेशा वो एक्टिविटीज़ उनको फैसिनेट रही होंगी जिनमें लोगों की जो है वो पार्टिसिपेशन होगी या कोई टीम वर्क होगी या कोई मेंबरशिप होगी तो वहाँ वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था एक्सट्रोवर्जन के बारे में आई होप यू कॉट सिंपल कंसेप्ट स्टिल यू हैव एनी एम्बिगिटी एनी क्वेश्चन आस बीन कमेंट सेक्शन सो टिल नाउ गुड बाय टेक केयर